प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सर सैयद को, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सर सैयद। आज हम आपके लिए बनाएंगे तवा चिकन। उसके लिए मैंने चिकन लिए हाफ के जी से ज़्यादा ही है, और इसमें हम डालेंगे टमाटर पेस्ट हाफ कप। मसालों में दिखा देती हूँ, पहले मैं नमक डालेंगे हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के लिए मैंने, एक प्याज लिए मैंने बड़ी, उसे मैंने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे टमाटर लिया है उसे भी मैंने लंबाई में स्लाइस कर लिया है। एक शिमला मिर्च उसे भी जुलियन काट लिया है थोड़ा सा मोटा मोटा। यहाँ हमने चिकन लिए उसके भी ऐसे पीस कर लिए। इसमें जाएगा केचप और हॉट सॉस, और इसे हम बनाएंगे ऑयल में या फिर घी में, जिसमें आपकी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। मैं बनाऊंगी ऑयल में, और इसमें आखिर में हम डालेंगे धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसमें ये सब चीज़ें जाएंगी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हम एक पैन गरम कर रहे हैं, मैं तवे पे नहीं बना रही हूँ, मेरा तवा थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसमें बनाऊँगी। तो इसमें हमने तेल गरम कर लिया है, चेक कर लेंगे तेल हमारा गरम है। हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हम हल्का नरम करेंगे। तेल हमने डाला है 1/4 कप। ये देखिए जी प्याज थोड़ी सी नरम हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, और इसे तेज आंच करके हम भून लेंगे। ये देखिए जी ये वाइट हो गई है पिंक से, और हमने इसे तेज आंच करके भुना था। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और इसे भून लेंगे। मसाला डाल के हमने इसे 1 मिनट भुना है। अब मैं इसमें ये सब चीज़ें डाल दूंगी। हम इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट, हॉट सॉस, वन टेबल स्पून केचप, 3 टेबल स्पून इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए जी सब तरफ से पक रहा है। मैं इसे ढक के इतना पकाऊंगी कि ये अपने ही पानी में चिकन गल जाए। अभी हमने इसे लो फ्लेम पे रखा है, 5 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए जी हम खोल के देखते हैं। ये देखिए इसमें कितना पानी आ गया है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डालता, ये चिकन का अपना पानी है। तो हम आँच टेस्ट कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। ये सब ये चीज़ें डाल के हम इसे अच्छा सा भून लेंगे। आज टेस्ट कर दिए मैंने, ये देखिए जी इसको हमने इतना भुना है कि इसका पानी ड्राई हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं बचाऊंगी, टमाटर, शिमला मिर्च। धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे। हम
इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, आँच टेस्ट कर देंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है, हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे 2 मिनट लो फ्लेम पे, ताकि सब्जी हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखिए जी, इसे 2 मिनट हो गया, हमारी शिमला मिर्च भी नरम हो गई है हल्की सी, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है। यहाँ हम रखेंगे 1 टिन फॉल, इसके अंदर हम रखेंगे कोयला, हम इसको देंगे थोड़ा सा धुआं, तो इसे हम थोड़ी देर के बाद खोल के कोयले को निकाल लेंगे। हम इसे खोल के देखते हैं, ये हमारा रेडी है, मैं अब इसे निकाल लूँगी और मैं इसे सर्व करूँगी तवे पे। और यहाँ मैंने प्याज लिए, सिरके में डाली हुई थी, तो ये हम डाल देंगे साइडों पे। और हमारा दम पर है तवा, थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया। हमारा रेडी तवा चिकन, और इसे मैंने तवे पे सर्व किया है, ये देखिए जी, तो इसे मैंने सर्व किया है सिरके वाली प्याज के साथ, थोड़ा सा नमक डाल के इसे छोड़ दिया था, और इस पर मैंने थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डाल दिए। तो इसे बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे हम सर्व करेंगे नान के साथ, पराठे के साथ, या फिर पूरी के साथ भी अच्छा लगेगा। ये बनाएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो मज़ा कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, कुकिंग मिस्टर सैयद, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। इस चैनल पर बहुत ईजी और आसान रेसिपी मिलेंगी, जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे किया हुआ है तो प्लीज़ बेल बटन चेक कर लें कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती है या नहीं आती है। मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सर सैयद को, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अच्छा लगी रेसिपी तो थम्सअप कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो आने तक। लव यू।